ज्ञानंजन चला के चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यनंद प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्री मशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यनंद प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्री मशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर हम आए हैं उदक कुंड, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समरण करके अपने स्वधाम को जाते हैं सारे के सारे यदुवंशियों को लेके द्वारका वासियों को लेके, और द्वारका नगरी जो है पूरी पानी में समुद्र में लीन हो जाती है, उस समय जो उनकी 16108 महर्षियाँ थी वो कृष्ण के वीर में बहुत आतुर होती है, और कृष्ण के वीर में आतुर होते हुए ब्रजधाम में आती है। कहाँ से? वहीं द्वारका से। द्वारका नगरी क्योंकि खत्म हो चुकी है, वहां से वो ब्रजधाम में आके ब्रजधाम का आश्रय लेती है। जब 16108 रानियां ब्रजधाम में आई, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यमुना जी को देखा और यमुना जी से पूछा, अरे तू भी तो कृष्ण की पटरानी लगती है, हम तो कृष्ण के वीर में इतनी दुखी है कि हमारे प्राण व्याकुल होते जा रहे हैं,
और तेरी दशा कैसी है कि कृष्ण चले गए हैं तेको विरह ही नहीं हो रहा और तू कृष्ण के जाने के बाद भी तेको इतना आनंद बड़ी आनंदित है। तो यमुना जी कहती है कि मेरा तो कृष्ण से विरह है ही नहीं, मेरा तो कृष्ण से नित्य ही मिलन है। तो वहाँ पे 16108 रानियाँ पूरे ब्रज में ढूंढ रही होती कि हमें कृष्ण कहाँ मिलेंगे, और जब उनको कृष्ण कहीं नहीं मिलते फिर वो यमुना जी से ही प्रश्न पूछती है कि जब हमें कृष्ण से विरह हो रहा है तो तेको विरह क्यों नहीं हो रहा, तेरा मिलन कैसे है। तो यमुना जी कहती है कि कृष्ण एक रूप में तो कहाँ पे गए हैं, स्वधाम को गए हैं, लेकिन एक रूप में वो आज भी ब्रज में हैं, लेकिन उनके दर्शन हो तो कैसे हो, उसका भी कोई उपाय बता दें। तो यमुना जी कहती है कि देखो अगर किसी प्रकार से तुम्हें उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, अगर किसी प्रकार से तुम्हें उद्धव जी मिल जाए तो उद्धव जी की कृपा से तुम्हें फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन साक्षात हो सकते हैं। किसकी कृपा से? उद्धव जी की कृपा से। वो द्वारका से ब्रज में ढूंढने आई थी कृष्ण को, जगह जगह पे कृष्ण को ढूंढ रही थी, लेकिन अब कृष्ण को नहीं ढूंढती। 16108 रानियां ब्रज में जगह जगह पे जाती है, इतना बड़ा ब्रज है, पूरा वन है, वन वन में भटक रही है कि उद्धव कहाँ मिलेंगे, उद्धव कहाँ मिलेंगे, उद्धव कहाँ मिलेंगे। पहले ढूंढ रही थी कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, लेकिन अब किसको ढूंढती है, उद्धव कहाँ मिलेंगे। तो यहीं पे ही गोवर्धन की तलहटियों में ही पीछे अभी आप लोग कुसुम सरोवर गए थे वहीं पे ही उनको उद्धव जी मिल जाते हैं। फिर वो उद्धव जी से प्रश्न पूछती है कि यमुना जी ने तो बोला है कि कृष्ण एक रूप में अभी भी यहाँ पे हैं और एक रूप में वहाँ पे गए हैं, और आपके सत्संग से ही हमें कृष्ण के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, तो हमारे वीरे को शांत करो, हमें कृष्ण के दर्शन कराओ। तो उद्धव जी ने जब भगवान कृष्ण इस जगत से जा रहे थे उन्होंने अपना एक स्वरूप श्रीमद् भागवतम में रखा था। तो श्रीमद् भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम को गए तो भागवत को ही साक्षात प्रकट किया, बताया जैसे सूर्य अस्त होता है तो क्या प्रकट होता है, चंद्रमा, लेकिन यहाँ पे सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य ही प्रकट हुआ, कृष्ण भी सूर्य, भागवत भी सूर्य, एक सूर्य गया तो दूसरा प्रकट हुआ। तो उद्धव जी कहते हैं कि हाँ अगर तुम भागवतम सुनोगे तो भागवतम के फलस्वरूप कृष्ण के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो फिर यहीं पे ही उद्धव जी ने 16108 महर्षियों को 30 दिन तक लगातार निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया था। जब 30 दिन पूरे कथा के समाप्त हो गए उसके बाद वो जो सारी की सारी महर्षियां हैं वो सोचे पड़ जाती है कि अरे इन्होंने तो बोला था कि भागवत के बाद कृष्ण दर्शन होंगे, हमने तो पूरे 30 दिन भागवत सुन भी ली। फिर जब भागवत पूरी शेष करी तो भागवत के बाद फिर क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का बहुत नृत्य गान करते हुए भगवान का कीर्तन किया, बहुत प्रेम से भगवान को पुकारा। इसलिए जब भागवत खत्म होती है, शेष होती है, भागवत का जो अंतिम श्लोक है उस अंतिम श्लोक में पहले तो भागवत को जब आरंभ किया भगवान को प्रणाम किया, लास्ट में प्रणाम किया भगवान की नाम की महिमा को कि भगवान का नाम जययुक्त हो। तो वहाँ पे जब आखिरी में जब भागवतम शेष हुई और भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा था तो यहीं पे ही भगवान के नाम संकीर्तन के बीच में ही जब सारी की सारी 16108 महर्षियाँ नृत्य कर रही थी उन्होंने किसके दर्शन करे, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, राधा जी प्रकट हो जाती हैं, ललिता विशाखा तुंग विद्या सुदेवी चंपक लता सारी की सारी सखियाँ प्रकट हो जाती हैं। फिर देखा कृष्ण के सारे सखा प्रकट हो गए, यशोदा मैया नंद बाबा सब ब्रजवासियों के दर्शन करे यहाँ पे, इसके फलस्वरूप भगवान की कथा के फलस्वरूप। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जब ब्रज में आओ तो ब्रज के जिस भी स्थान पे जाओ तो ब्रज में एक ही बात मांगना, क्या मांगना, गुरुदेव इस बात को पुनः पुनः बोलते थे। हम लोग अभी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए कई लोग घर बना देते हैं, कई लोग कुछ भौतिक वस्तु मांगते हैं, तो गुरुदेव परिक्रमा आरंभ करने से पहले ही बोलते थे खबरदार खबरदार गिरिराज जी से कुछ भौतिक वस्तु मत मांगना, नहीं तो अपने आप को ही ठग लोगे। गिरिराज जी से क्या मांगना, रसिक भक्तों का संग, क्या मांगना, रसिक भक्तों का संग। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी और कोई कृपा हो ही नहीं सकती। इस बात को श्रीमद् भागवत में भगवान ने खुद बोला है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, भ्रम अपवर को भ्रम तो यदा भवे जनस्य चरई अचुत सत समागमा, कि इस संसार में भ्रमण करते 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 कोटि कोटि कल्प कितने जन्म बीत चुके हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जब किसी जीव का इस संसार से भवसागर से पार जाने का समय आता है, जब किसी जीव का मेरे धाम में आने का समय आता है, उसको मेरी सेवा सौभाग्य प्राप्त होने वाली होती है, तो मैं उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा करता हूँ, क्या करता हूँ, संत समागमा, कि मैं उसको भगवान कृष्ण के जो अपने भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों का उसको
संघ प्रदान कर देते हैं। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि क्या मिल जाए, रसिक भक्तों का संघ मिल जाए। और देखने को मिलता है कि 16108 महर्षियां जब वो कृष्ण के विरह में आतुर थी, उनको कृष्ण के दर्शन किसकी कृपा से हुए, उद्धव जी की कृपा से हुए। तो इस स्थान पे हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मति है वो संसार से हट के वैष्णवों के चरणों में आए, वैष्णवों के उपदेश में आए, भगवान के नाम में आए। ओ हे कृष्ण नाम अक्षर तुमी सर्व शक्ति धर, जीवे र कल्याण वेतराने, तोमा बिना भव सिंधु तराई ते नाही बंधु। कह रहे हैं कि तोमा बिना भव सिंधु तराई ते नाही बंधु। एकमात्र हमारे इस सागर के अंदर जो बंधु है वो कौन है, वैष्णव जन और भगवान का नाम। जैसे हम लोग पानी में डूब रहे हो और हम बोले हमें बचाओ बचाओ, उस समय किसको याद दिलाएं, किसको पुकारेंगे, जो नाव में बैठा हुआ है उसको पुकारोगे या माता को पुकारोगे, पिता को पुकारोगे, भाई बंधु को पुकारोगे, किसको पुकारोगे, जो नाविक है, जिसको क्या करना आता है, जिसको आपको निकालना आता है डूबते हुए व्यक्ति को। तो बताया उसी प्रकार से इस संसार के अंदर हम सब लोग जीवात्मा क्या हो रही है, इस भव सागर के अंदर सारी जीवात्मा डूब रही है। और इस भव सागर से एकमात्र जो पार लगा सकते हैं वो कौन लगा सकते हैं, वैष्णव जन लोग। और साक्षात वो हमें क्या उपदेश देते हैं, भगवान का नाम। तो यही हमारे एकमात्र परम बांधव है इस जगत में। तो यही प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी से कि परिक्रमा करते हुए हमारे नेत्र खुल जाए, हमारा सपना टूट जाए और हमें जीवन का सच नजर आ जाए। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो लोग जयपुर जाना चाहते हैं उनकी बस की टिकट